हाईकोर्ट में मौजूद मेडिकल कॉलेज संबंधी कब्जे से जुड़ी याचिकाओं के खारिज होने के बाद जैसे तैसे मार्च के पहले सप्ताह में मेडिकल कॉलेज का निर्माण एक बार फिर शुरू हुआ था, लेकिन सिर्फ एक दिन की दिखावटी कार्रवाई शुरू होने के बाद ठेकेदार कंपनी जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण फिर से बंद कर दिया है। निर्माण कार्य के बंद होने से छतरपुर के आम नागरिक और समाज से भी एक बार फिर नाराज हैं। सोमवार को छतरपुर के बस स्टैंड पर आयोजित मेडिकल संघर्ष मोर्चा की बैठक में निर्माण कार्य ठप्प होने पर मोर्चा पदाधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त की। मोर्चा की ओर से पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द निर्माण कार्य को शुरू कराया जाए। सूत्रों के मुताबिक अब निर्माण ठेकेदार कंपनी निर्माण के मूल्यों को बढ़वाने के लिए शासन को अपना मांग पत्र सौंप रही है, जिसके कारण काम फिर से बंद हो गया। पदाधिकारियों ने कहा कि हर बार किसी न किसी कारण के चलते छतरपुर की बहुप्रतीक्षित मांग को टालने का प्रयास किया जाता है, जो कि गलत है। बैठक में निर्णय लिया गया कि 10 अप्रैल को कल्याण मंडपम में एक विस्तृत बैठक बुलाकर इस संबंध में आंदोलन की व्यापक रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में मेडिकल मोर्चा की ओर से श्याम किशोर अग्रवाल, हरिप्रकाश अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवाल, काशीराम सोनी, राजेश पिपरसानिया, देवेंद्र अग्रवाल, ब्रजेश कुमार पांडे, रामकिशोर अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। बैठक के अंत में मेडिकल संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी रवि खरे के निधन पर 2 मिनट का मौन धारण कर शोक व्यक्त किया गया। आज आवश्यक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें उपस्थित लोग आए, उन्होंने विचार विमर्श हुआ है। मेडिकल कॉलेज का काम शुरू नहीं हुआ है, जबकि जिला कलेक्टर ने मेडिकल संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा था कि काम शुरू हो जाएगा। काम एक दिन चला, उसके बाद बंद हो गया है। इसके बाद जब पुनः संपर्क किया गया कि कार्य क्यों बंद हो गया है, तब अधिकारियों ने बताया कि ठेकेदार ने कार्य विलम्ब होने के कारण जो दरें बढ़ गई हैं, उस आधार पर काम, जब बड़ी दरें हमें प्राप्त होंगी तभी हम काम शुरू कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में पुनः जब अधिकारियों से चर्चा की गई, करने के लिए विचार विमर्श हुआ है, और अगर यथाशीघ्र कार्य शुरू नहीं होता है तब मेडिकल संघर्ष मोर्चा आगामी रणनीति तय करने के लिए अगली बैठक पुनः आमंत्रित करेगी, उसके बाद संघर्ष के लिए तैयारी की जाएगी। धन्यवाद। अभी तक मेडिकल कॉलेज भवन बनने का काम तो अभी इसलिए पेंडिंग पड़ा रहा, जैसा प्रशासन ने बताया कि न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी हुआ था। संघर्ष मोर्चा ने प्रयास करके और प्रशासन के सहयोग से वो स्टे ख़त्म कराया है न्यायालय का। इसके बाद जब कलेक्टर साहब से पुनः मिले तो उन्होंने कहा था कि हम आज से ही काम शुरू करा देंगे। काम शुरू हुआ भी है, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि होली के कारण काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन जब होली के काफ़ी दिनों बाद भी काम शुरू नहीं हुआ तो पुनः अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ठेकेदार काम नहीं कर रहा है।